अभी एक डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसकी कॉस्ट है 15,000। वेलकम बैक। यही रखना है, लॉगिन करना सीधा। ये तो खुद जा रहा है। ओह जंप, गुड गर्ल। तो गाइस मैं घर आ गया था 3-4 दिन के बाद, और आने के बाद मेरा एक कोरियर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने अभी खोल लिया था, फिर मुझे याद आया रिकॉर्ड करना तो भूल गया। ये है भगवत गीता। मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मेरा पढ़ने का बहुत मन था। काफी चीजें मतलब जैसी ऊंच नीच चल रही लाइफ में, तो मेरे को लगा था क्यों ना बेस्ट मोटिवेशन बुक ये पढ़ी जाए। मम्मी ने मुझे बताया हर बीच में गोरखपुर का लड़का रहता था, उसने मम्मी को ऑलरेडी गिफ्ट करी हुई है, रखी हुई है। घर में कोई बाहर कंट्री से आता है तो निगाह इन चीजों पर रहती है कि बाहर से क्या सामान आया है। नाइस चॉकलेट। साबुन कैसी खुशबू आ रही है। कोको, ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसे वापस रखो। चलो तो आज मम्मी ने खाने में कुछ हल्का बनाया मेरे लिए, तो ये है इडली सांबर और चीनी भी खाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। आज की वीडियो में वॉइस ओवर मिलेगी क्योंकि मैं हूँ हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क चालू हो चुका है, मुझे होना है यहाँ पे अभी एडमिट हो चुका हूँ। लेकिन उससे पहले मम्मी के कुछ टेस्ट होने हैं, वो टेस्ट मैं करा देता हूँ क्योंकि फिर मुझे एडमिट भी होना है। तो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद अभी मुझे पैथोलॉजी में आके यहाँ पर टेस्ट कराने हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट में जो किडनी डोनेट मुझे करेंगी मम्मी करेंगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे टेस्ट होने बाकी हैं। तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे मम्मी के टेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। फाइनल अभी नहीं हुआ है कि क्या होगा, बट स्टिल सारा प्रोसेस चालू हो चुका। तो भाई आके बेड पर लेट गया हूँ, अभी डॉक्टर आया चेकअप वगैरह के लिए बोल के गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह सब कुछ नहीं खाया, वेट कर रहा हूँ। बाकी अब मेरे टेस्ट वगैरह चालू होंगे, दवाइयाँ वगैरह चालू हो जाएंगी। मम्मी तो घर जा चुकी है, उनको एडमिट नहीं कराया, मुझे एडमिट कर लिया है। मैंने इन लोगों की दी हुई ड्रेस पहन ली है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे दवाई वगैरह लगाएंगे यहाँ पे हाथ में। भाई इतने बड़े हैं मेरे जैसे, 3 बंदे आ जाएंगे इसमें। ये देखो भाई सारा सामान रखा है इनका। तो टेस्ट वाले प्रोसेस सारे चालू हो चुके हैं, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, और इतनी देर में खाना भी आ गया। भाई मुझे बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खाना खाता हूँ, खाना काफ़ी टेस्टी होता है यहाँ पे, तो जल्दी से मैं खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पहले वहाँ पे टेस्ट कराए, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ये वो, ट्रांसप्लांट प्रोसेस बहुत बड़ा होता है भाई। और भाई रात में अचानक से मुझे बेचैनी होने लगी। अब बेचैनी होने का रीज़न पोटेशियम बताया था शायद, यहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरी बॉडी में उसका लेवल बढ़ रहा है। तो देखो मैं दिखाता हूँ, दवाई मेरे को लगाई है हाथ में भी है अभी, और शायद इसे एनालाइजर पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं है सही से, ये मेरे को लगाया हुआ है। तो अभी मैं सिर में बहुत दर्द है भाई, क्या करूँ, पूरी रात निकल गई, सोया नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सो पाया हूँ। बस ऊपर वाला जाने क्या चल रहा है मेरे साथ, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मॉर्निंग हो गई है और ब्रेकफास्ट आया है, अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट के लिए। खाली पेट टेस्ट होने थे कुछ, बस मैंने हल्का ही खाया है, और अल्ट्रासाउंड होगा, ईसीजी, इको, पता नहीं क्या क्या। भाई तन्नु आई है, डोसा कोई बुरा है? डोसा कोई बुरा है? अब मैं क्या खा रहा था, मेरा खाना रखा था वो ले गया। अब तन्नु अपने डोसा लाई है, मैंने बोला भाई मेरे लिए चाय ले। मेरे को इस कंडीशन में भी खुश क्यों हूँ तन्नु की वजह से। भाई तन्नु मुझे पार्टी दे रही है, मतलब ज्वाइन कर रही है मुझे, वरना मैं पागल की तरह पड़ा था यहाँ पे पिछले 2 दिन से। शायद मेरी कल छुट्टी हो जाएगी। मेरी शक्ल देखो ऐसी हो रही है जैसे शक्ल 12 बजे। ओ गॉड, हाँ छुट्टी आज हो सकती है, मैं डॉक्टर से बात करूंगा अभी। और गाइस रात के यहाँ पे 11 बज चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बॉडी में दर्द है। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखी थी, वो दवाई भी मैंने खाई, लेकिन उससे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने सिस्टर से जाके बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला शायद आपको डिप्रेशन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो रात के 11 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा चाय पी रहा हूँ, पिछली पूरी रात भी नहीं सो पाया था मैं मेंटली, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ बता नहीं सकता। पूरी रात ऐसे ही वॉक करते हुए मैंने निकाल दी। सुबह के फिलहाल 5:30 बज रहे हैं और बराबर में और पेशेंट भी सो रहे हैं, बता नहीं सकता जाते मतलब बोल नहीं सकता मैं। लाइट ऑन कर लेता हूँ, लाइट ऑन कर लेता हूँ, और मैं ज़्यादा तेज बोलूँगा तो वो लोग भी उठ जाएंगे, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करना सही समझ रहा हूँ। और भाई दिमाग की बैंड बजी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। 2 रात हो गई बिना सोए हुए, और अभी मुझे मतलब ब्लर सा, और मतलब हिल रहा हूँ मैं, वाइब्रेट हो रहा हूँ, यहाँ पर बैठा रहा पूरी रात, कभी देखो इधर उधर घूमता रहा। और ये देखो 3 कप चाय पड़ी है, ये मैंने पूरी रात में पी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा नाम राहुल, सैंपल दे दूँ। अभी एक डीएनए टेस्ट हो रहा है, उसकी कॉस्ट है 15,000। पहली बार ऐसा हुआ है निकलने में, पता ही नहीं चला मुझे वरना निकलने में दर्द होता है। और कोई सैंपल तो नहीं? नहीं बस इतना ही है।